हर एक बच्चे का अपना एक आईक्यू लेवल होता है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है तो उसके लिए और बहुत विकल्प है। एम अकेडमी जसीमपुर ने जमा एक तक की कक्षाओं का परिणाम घोषित किया, जिसमें प्लस वन कॉमर्स में दीक्षा प्रथम, अनमोल ने दूसरा और पायल ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं साइंस में काजल कोलिया प्रथम, शिवांश द्वितीय एवं अक्षित तृतीय स्थान पर रहे। इस दौरान कन्वर दुर्गाचंद कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के मैनेजर कृष्ण चंद, जनता क्लिनिक के MD राजेश ठाकुर तथा डॉक्टर संबीर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि रिजल्ट निकलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों और अभिभावकों ने जंग जीत ली हो, लेकिन पढ़ाई और कैरियर के बोझ तले छात्र और उनके अभिभावक दोनों दबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आज के समय की जरूरत है और जहां यह लाभदायक है वहीं नुकसानदेह भी है। इसका ज़्यादा उपयोग बच्चों को मानसिक रोगी बना रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध बनाएं, बच्चों के व्यवहार में कोई असामान्य बदलाव हो तो उसे समझने और जानने की कोशिश करें। बच्चों की क्षमता के अनुसार उसी के आधार पर उनके कैरियर की प्लानिंग करें, दूसरे बच्चों के साथ उनकी तुलना कभी ना करें। अंत में स्कूल प्रबंधक राजेश सरोच ने बच्चों व अभिभावकों को बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पेश है जयसिंहपुर से PR न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा ना करे, पर हर एक बच्चे का अपना एक IQ लेवल होता है। अगर किसी बच्चे का IQ लेवल अच्छा नहीं है तो उसके लिए और बहुत विकल्प है। एक ही विकल्प नहीं है आजकल, जो ज्यादा विकल्प है कि भाई मैंने लड़के को डॉक्टर बनाना है, मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, या मैंने बच्चे को CA बनाना है। इंजीनियर अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, इंजीनियर आज आपको हर गांव में 50-50 मिल जाएंगे। डॉक्टर अभी कोई फ्री नहीं है, डॉक्टर के लिए जॉब 100% है हिमाचल में। जो भी डॉक्टर बनता है उसको जॉब निश्चित है। एक बात इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ये सर जो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, ये मेरे टीचर हुआ करते थे। मैथमेटिक्स मैंने इनसे पढ़ा हुआ है 3 साल। कल अचानक मैंने इनका फोटो कॉलेज, जब मुझे नोटिस में आया कि कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, तो मैंने अपना सौभाग्य समझा कि मैं अपने टीचर को कम से कम यहाँ पर बुलाऊं। और थोड़े से समय में इन्होंने अपनी सहमति जताई। मैं इस चीज के लिए इनका बहुत ही आभारी हूँ।